तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि जितने भी लीडर्स यहाँ पर हैं, जो भी उनके साथ में और लोग भी हैं, जो हो सकता है यहाँ पहली बार आया हो, वो जरूर उस चीज के ऊपर ध्यान दे, वहां पर जरूर आए। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू, है ना। हेल्थ खराब हो जाएगी ना बॉस, तो लाखों रुपए भी लग जाते हैं, करोड़ों रुपए भी लग जाते हैं, लेकिन हेल्थ वापस नहीं आती, है ना। आप देख रहे हो ना लोगों के क्या क्या ट्रांसप्लांट हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, सोचो। वही तो नहीं हो जाएगा ना आपका शरीर, वैसा ही तो नहीं हो जाएगा ना। सब कुछ चेंज करके सारे बॉडी पार्ट अलग कर दोगे तो वही रह जाओगे कि नहीं यार, हर चीज वैसे नहीं काम करेगी। बट व्हाई नॉट, अभी हमारे पास अगर भगवान ने ये चीज दी है तो हम उसको हेल्दी रखें, और हमारा मिशन ही वही है ना, कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्दी करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेटरमेंट की तरफ लेके जाए, राइट। और टाइम इज अप, और मुझे लगता है कि नाउ पीपल आर हेयर, जिनको आना था वो आ चुके हैं। और बस एक ही चीज बोलूंगा कि देखिए, है ना, चेंज इज नेसेसरी, है ना, और चेंज इज कॉन्स्टेंट। चेंज तो होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। एंड एवरीबडी वॉन्ट्स टू ग्रो, हर कोई ग्रो करना चाहता है अपनी अपनी लाइफ में, है ना, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, है ना। आप ग्रो मोटा नहीं होना चाहता कोई है ना, लेकिन वो भी एक ग्रोथ है कि अगर आप फिट और फिटर की तरफ जा रहे हो, है ना, राइट। बट आज हम थोड़ा सा एक पर्टिकुलर कुछ चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि बेसिकली आपके बेनिफिट के लिए होने वाली है ना। क्योंकि आप वो सारे लोगों जो जो बिजनेस में आए, बिजनेस ट्राई करा, बिजनेस हुआ नहीं हुआ, हुआ नहीं हुआ, दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट। बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये लगता है कि यार हमने सब कुछ करा बट हमारा बेनिफिट नहीं हुआ, या हम तो लोगों को नहीं उस तरीके से इन्फ्लुएंस कर पाए। वो जोड़ना भी शायद आप वर्ड बोल सकते हो कि हम नहीं ज्वाइन करा पाए, है ना। हालांकि हम वो यही नहीं यूज करते, बिकॉज वी डोंट ज्वाइन पीपल, है ना, हम लोगों को ज्वाइन नहीं कराते, हम बेसिकली चाहते हैं कि उनकी हम मदद करें, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं एक माइंड सेट है, या जो मार्केट में लोगों का माइंड सेट है, आज आपको समझना है और यही समझाना है। इफ यू हैव अ टीम, या आपके कुछ लोग हैं जो आपकी टीम में थे, या जो भी आपको आज से नया बंदा मिलता है, राइट right? बिल्कुल, है ना। आप अपना कैमरा खोल सकते हैं, यू कैन बी ऑन कैम, है ना, अच्छा लगेगा मैं आप लोगों को देखना, है ना। तो उसके लिए कुछ चेंजेस एमवे ने करें, क्योंकि जैसे कि आलोक जी हमेशा से बात करते हैं, और सारी दुनिया में एक चीज है ना पर्टिकुलर है, कि जब 25 साल एमवे को हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, और एक अलग ही एमवे आता है। इंडिया में भी 25 ईयर्स कंप्लीट हुए और अब डिफरेंट चीजें होने लगी हैं, बिल्कुल अलग लेवल पे, है ना। और मैं बता रहा हूँ, जो अब जो चेंजेस जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, है ना, हो सकता है वो बहुत कम या माइनर आपको लगे, लेकिन उनका इतना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है हर एक व्यक्ति की लाइफ में, क्योंकि हर एक बंदा बेनिफिट उससे पाएगा, है ना। किस तरीके से करेगा, क्या करेगा, वो आपको थोड़ा बहुत हम डिटेल बताएंगे, बट डिटेल में भी हम उसको और जान सकते हैं। बट आज टाइम भी कम है और बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, हम चाहते हैं ज्यादा टाइम ना लगे। मैं जरूर चाहूंगा मुकेश जी, जो स्लाइड्स आपने प्रिपेयर करी है, आप प्लीज उसे एक बार शेयर करें। है ना, तो एमवे ने बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस तो पहले ही कर दी थी, है ना, BFI BBI इंट्रोड्यूस कर दिया था, फिर उसको रीलॉन्च भी करा, है ना, जो नहीं कर पाए एक बार, है ना। लेकिन अब एक नई चीज लॉन्च करी, देखिए मुकेश जी बिल्कुल स्लाइड के ऊपर बैठ गए हैं ना, बोले मेरे को तो करना ही करना है है ना। तो देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, प्लीज स्क्रीन पे जरूर देखें, है ना, और इसको ध्यान से देखें आप थोड़ा सा, है ना, कि अभी तक के बिजनेस में क्या था, है ना। अभी तक के बिजनेस में क्या होता था, आप प्रोडक्ट लेते थे, तो जो एक नॉर्मल एबीओ, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो ADS कन्वर्ट हुआ, और कहीं ना कहीं देखिए, अब एक चीज पहले मैं और बताऊंगा, अब सबको एबीओ बोला जाएगा, एमवे बिजनेस ओनर, है ना, वो ADSP ये सब सब खत्म हो गया, अब यू ऑल आर बिजनेस ओनर्स, है ना। एमवे ने कहीं ना कहीं इसके ऊपर काम किया है, एमवे ने इसके ऊपर बात भी करी है ना, हो सकता है लीगली भी वो गए और कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये बिजनेस ओनर्स हैं, है ना, और वो चैलेंज जो भी था वो हम जीते, और उसके बाद अब हमको ABO बोला जाएगा, एमवे बिजनेस, तो वी ऑल आर बिजनेस ओनर्स, है ना। तो बहुत अच्छी बात है। बट अब एक बंदा जो बिजनेस ओनर बनता था, जो आता था, सबसे पहली क्या चीज होती थी उसको, कि भाई वो अपना ज्वाइन हुआ, अपना सामान लेगा, है ना, कुछ प्रोडक्ट उसे अच्छा लगते थे वो लेता था, तो उसको कुछ कंपोनेंट्स मिलते थे, जिसमें CSI पहला कंपोनेंट था, जो कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ था, है ना। तो CSI पहले 10% मिलता था जब शुरू शुरू हुआ था, बट बीच में कंपनी ने उसको 5% कर दिया था, है ना, जो कि आपकी PC के सेल पे मिलता है, जब तक आप मतलब 6% से ऊपर नहीं चले जाते, आप 3% हो तो 2 मिलेगा, 0 हो तो 5% मिलेगा, ठीक है, ये तो सिंपल है, सबको पता है। दूसरा आपको क्या मिलता था, अगर मैं SSI, यहाँ पर एक कंपोनेंट लिखा है, लेकिन अभी तक SSI कंपोनेंट नहीं था, इसके बारे में डिस्कस करूंगा, ट्रेड डिस्काउंट मिलता था 7 to 8%,
कि भाई जो भी मैंने परचेजिंग करी, जो भी मेरी डीएपी है, उसमें 7 से 8% मेरे अकाउंट में आ गया, तो सबको पता है ना। चलो सीएसआई तो हो सकता है बहुत कम अमाउंट है, बहुत सारे लोग इसको इग्नोर भी कर देते हैं, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट सबको पता है कि भाई ये एमआरपी है, उसका रिटेल मार्जिन करके एक आपका ये आ गया उसका डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट, और उसके बाद उस प्राइस का जो हमें हमें डायरेक्ट बेनिफिट होता था, जो हमारे ट्रेड डिस्काउंट आता है, भाई 1,000 रुपए पे मोटा मोटा मुझे 70 रुपए 80 रुपए मिल गए, यही तो होता था और यही लेते। तो इसका मतलब कि अगर मैं 100 PV कर रहा हूं तो मुझे कितना मिल रहा है, 700 800 रुपए, यही तो मिलता था। और सबको लगता था चलो यार ठीक है जो भी है जैसा भी है ना। और कहीं ना कहीं वो माइंडसेट हमारा था कि यार वो मजा नहीं आ रहा, या मैंने 10,000 की सेल करी मुझे 700 रुपये मिले। लेकिन अब चीजें बदलेंगी सितंबर ऑनवर्ड्स, है ना, क्या होने वाला मैं आपको बता दूं ना। तो ये जो टोटल अर्निंग पहले हमें मिलती थी ये लगभग 33 मतलब 13% है ना, प्लस कोर प्लस की जो इनकम थी आप 3% 6%, वो BFI BBI जो भी आपको वो अलग है, बट उसके अलावा ये तो आपको मिलता ही था। अब लेकिन क्या होने वाला है, ये SSI नई चीज लॉन्च हो रही है सितंबर से, SSI है ना, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट इंसेंटिव, राइट। ये उन लोगों के लिए है जो अब नए एबीओ सितंबर में ज्वाइन होंगे, राइट। अभी सबको लग रहा होगा यार अब कैसे, हम तो पुराने ज्वाइन ही, हमारे तो है ही नहीं है, है ना। तो उसका कैच मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा SSI क्या है। SSI क्या है कि CSI तो आपको वही मिलेगा 5% जो मिल रहा था, ट्रेड डिस्काउंट आपको वही मिलेगा, एक नई टर्म आ गई है SSI। अभी SSI क्या है आप समझो, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि एक व्यक्ति यहां पर मुझे लगता है जितने लोग बैठे हैं ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो 100 PV करते थे, या हो सकता है अब नहीं करते हो, बट वो कहीं ना कहीं हर महीने 100 PV वाले जोन में आते थे। जैसे मैंने बोला ना उनको 700 रुपये मिल जाता था, उनको लगता था चलो यार 700 रुपये मिल गए। लेकिन अब कंपनी ने क्या करा है, अगर आप वही 100 PV ना 12 के 12 महीने करते हो, मतलब आपकी कंसिस्टेंसी है, आपकी देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना बॉस। अब आपको सोच रहा है यार मैं तो 20 PV करता हूँ मुझे उसमें ही बेनिफिट मिले, तो वो तो मतलब इतना तो नहीं हो पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी ने बोला है कि आज की डेट में मैं सच आपको बता रहा हूँ 100 PV करना कोई बड़ी बात नहीं, कुछ बड़ी बात नहीं। जब से कोरोना हुआ है, जब से हेल्थ की बात लोग कर रहे हैं, लोग प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं, लोग विटामिन सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं, और जब आप एमवे की बात बताओ तो प्रोडक्ट कोई बहुत बड़ी। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज क्या होता था, हम लोग या तो इससे भी कतराते थे कि यार अब 100 PV हो गया तो मुझे 700, मतलब देखो माइंडसेट होता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ आप सोच रहे हो या अपने अपलाइन को बोला हो, बट कहीं ना कहीं लगता था मेरा बेनिफिट क्या है। बहुत सारे यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनको मैं देख रहा हूँ, जिनको मैंने स्पेशली भी यहाँ पर कॉल करा, उनको लगता था कि हम रिटेलिंग कर रहे हैं लेकिन हमको बेनिफिट ही नहीं हो रहा है ना। तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि अब क्या है, अब वो SSI से क्या होगा। SSI मतलब है कि अगर आप वो कंसिस्टेंट रहते हो 12 के 12 महीने, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप 12 के 12 महीने नहीं करोगे, उसमें उसमें कॉलम्स हैं 3 3 महीने के, लेकिन अगर आप 12 के 12 महीने आप कंसिस्टेंट रहते हो 100 PV मिनिमम, अगर आपकी आईडी है और आप 12 महीने 100 100 PV करते हो केवल पीसी के नंबर पे, एक सिंगल पीसी के नंबर पे, वो तो ऑलरेडी भी हम कर रहे थे तो CSI लेने के लिए, ट्रेड डिस्काउंट लेने के लिए। अपने नंबर पे ज्यादातर तो हम सामान लेते भी नहीं, क्योंकि है ना हमको लगता था कि चलो वहां से उसका क्राइटेरिया ही पूरा हो जाएगा, ईयर वाला और सारी चीजें। तो अगर आप सोचो कि पूरे साल भर आप 1200 100 PV का सामान लेते हो, तो आपको 25,000 रुपीज कैश रिवॉर्ड मिल सकता है, कैश रिवॉर्ड। ये ऐसा नहीं है कि कंपनी ने बोल दिया अच्छा हम आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे, हम आपको ये दे देंगे, हम आपको फ्री सोप दे देंगे, हम नहीं, कैश पैसा अकाउंट में। और वो कैसे कैसे मिलेगा है ना, पहले 3 महीने में मिलेगा 3,000 रुपीज, नेक्स्ट 3 मंथ में मिलेगा 5, नेक्स्ट 3 में 7, और नेक्स्ट उसमें 10, तो टोटल 25। तो मतलब अगर आप केवल, क्योंकि देखो आप में ज्यादातर लोग हमने उन्हीं को कॉल किया होगा या यहाँ पर वही लोग होंगे, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल नए हो गए आप, कि आपको पता ही नहीं एमवे के, आपको पता ही नहीं न्यूट्रोलाइट के, आपको आपने प्रोडक्ट यूज भी नहीं करा, आपने प्रोडक्ट दिया नहीं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो खुद ही घर में 100 PV कर लेते हैं हर महीने, और कर रहे होंगे बट अभी तक उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। अब क्या होगा कि अगर आप केवल वो, अभी देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप बिजनेस बिल्ड कर दो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लोगों को जोड़ो, मैंने कुछ बात ही नहीं करी ना आप, तो मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, आप अगर यूज कर रहे हो और थोड़ा बहुत रिटेल भी करते हो हल्का फुल्का, कुछ आपके क्लाइंट होंगे ही ऑब्वियसली, और आप 100 PV की कंसिस्टेंसी बनाते हो, तो कम से कम 25,000 रुपए कैश तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा ट्रेड डिस्काउंट मिलना है। अब आप 8,000 के मान लेते हैं, अगर आप पूरे 12 के 12 महीने करते हो और आप 700 से 800 रुपए भी ट्रेड डिस्काउंट मानो, तो आप देखो 12 के 12 महीने में कितना हो गया,
आप समझ रहे हो? तो 25,000 प्लस 12 महीने का ट्रेड डिस्काउंट प्लस, क्योंकि आप अब जो ये सामान है वो पीसी पे लोगे, तो कुछ न्यूट्री पर्क भी कुछ नई चीज है जो एमवे ने ऐड करी। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। वो न्यूट्री पर्क है, वो भी पैसे के बराबर ही है, उसके बदले आप प्रोडक्ट ले सकते हो। तो अगर आप ऑल टोटली सबको कैलकुलेट करोगे और एक पूरी कैलकुलेशन निकालोगे, जो कि हम डिस्कस करेंगे सबके साथ, है ना, अगर आप आना चाहोगे इसमें, तो आप सोच के देखो। नहीं, ऐसे कोई टैक्स जैसा नहीं है, वो कैश है आपको। पहले 3 महीने में आप करोगे तो 3,000 आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे, फिर अगले 3 महीने करोगे तो 5। हाँ, कंसिस्टेंसी शुड बी देयर, है ना। और अच्छी चीज क्या है, देखो मैंने आपको एक चीज बोला था, एक इसमें कैच क्या है कि नए लोगों को मिलना है। आप तो सारे लोग पुराने हो, तो वट वी कैन डू ना, वट वी कैन डू कि या तो आप तो ऑलरेडी ज्वाइन हो अपने नाम से, तो आप अपने स्पाउस के नेम से, या आपके अगर बच्चे हैं 18 से ऊपर, या मॉम डैड हैं, उनके नाम पे अपनी ही फ्रंट लेग में डाल के उस पे कर सकते हो 100 PV। कोई दिक्कत ही नहीं है भैया, अगर ले सकते हैं तो लो ना यार, क्या दिक्कत है। मैं तो कह रहा हूँ कि कोई अगर 200 PV करता है तो डाल दो, मम्मी की भी डाल दो, पापा की भी डाल दो। तो जब 25 मिल रहा हो, 50 मिल जाएगा। अब जितेंद्र यहाँ पर है, इस महीने उन्होंने लगभग 600 PV से ऊपर रिटेल करा है। जस्ट थिंक अबाउट इट। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 6 ज्वाइनिंग डाल दो लेकिन एटलीस्ट ही कैन डू 2 एटलीस्ट या 3 एटलीस्ट किया जा सकता है। देखो थोड़ा बहुत तो मैनिपुलेट आप अपने अपने तरीके से कर सकते हो ना, है ना। अब कोई चेकिंग करने नहीं आएगा या आपके वाइफ की। देखो मेक इट वेरी सिंपल, ये नए लोगों के लिए है, आप पुराने हो लेकिन आपको बेनिफिट लेना है, तो कैसे लोगे? सिंपल है ना यार। एक नई ज्वाइनिंग में अपने कोई लेडी है तो हस्बैंड के नाम से डाल देंगी, एक पीसी तो बनाना है, उसमें उसके नंबर पे लेना है। कोई जेंट्स है तो वाइफ के नाम पे ले लेंगे, अगर दोनों ने कंबाइन करा है तो पापा मम्मी के नाम पे ले सकते हैं, सास ससुर के नाम पे ले सकते हैं। 3-3 महीने के गैप में आपको चीज मिल जाएगी। साथ में न्यूट्री पर कैसे मिलेंगे वो भी हम आपको बताएंगे, है ना। और साथ में ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। और अच्छी चीज क्या है, आप किसी भी लेवल पे चले जाओ 12 महीने, ऐसा नहीं है कि आप अभी 0% पे तो ही मिलेगा। आप 3 हो जाओ, 6 हो जाओ, 9 हो जाओ, 12 हो जाओ, कुछ भी लेवल पे आप पहुंच जाओ 12 महीने में, आप सिल्वर प्लेटिनम भी हो जाओ तो भी आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। जस्ट थिंक अबाउट इट। और ये जब पूरी कैलकुलेट किया और मोटा मोटा बताया, तो आप सोच के देखो, ये 37% तक गई है इनकम, इसके अलावा ट्रेड डिस्काउंट और ये सब। तो मैं तो मोटा मोटा एक ही चीज दिमाग में सोच रहा हूँ, अगर हम केवल 25,000 को भी पकड़ लें तो आप सोचो कि 100 PV एग्जाम्पल ले लिए कि 10,000 रुपए का पर मंथ हो गया सामान, 1,20,000 रुपए पे अगर आप रिटेल करते हो और कुछ उसमें से यूज भी करते हो, तो 25,000 रुपए तो कैश मिल रहा है आपको यार। अगर मैं ज्यादातर लेडीज की बात करूं तो आप करते हो ना किटी, करते हो कितने की? ज्यादातर लेडीज 2,000 1,000 की किटी करती हैं, नहीं करते? आप बताओ कितने लोग हैं यहाँ पर करते होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, जेंट्स भी करते होंगे, है ना। कितना मिलता है आप सोचो, 2,000 पर मंथ, 24,000 साल की करते हो आप जमा, कुछ नहीं होगा, वही हो जाएगा आपके लिए। तो 2,000 रुपये पर मंथ मान लो यार, ये छोटी अमाउंट नहीं है। अब वही अगर आप 2 ID डालोगे तो कितना, 4,000 पर मंथ भी हो गया। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 2 डालो, वो आपकी मर्जी, बट एटलीस्ट एक सिंगल तो डालनी है अपने ही फ्रंट में, है ना। जो भी यहाँ पर मीटिंग में जिनके थ्रू भी आए, वो उनसे पूछे, संपर्क करें, खुद ही मत कर देना आप, है ना। आप जरूर पूछेंगे, मान लेते किसी ने, मुकेश जी ने बुलाया तो मुकेश जी सही गाइड करेंगे, किसी किसी को मैंने बुलाया तो मैं सही गाइड करूंगा, जितेंद्र ने बुलाया, जो भी लीडर्स यहाँ पर बैठे, लेकिन आप एटलीस्ट वो 25,000 रुपया ट्रेड डिस्काउंट, मतलब अगर आप एक अकाउंट में उसको अलग से रख दो ना बॉस, है ना, तो 35,000 रुपये तो खरा पैसा है। और अगर न्यूट्री पक को ऐड करूं तो अप्रोक्स 40 के अराउंड भी पहुंच जाएगा, क्योंकि वो भी पैसा ही है, प्रोडक्ट है, ऑर्डर आप ले सकते हो, दे सकते हो, अपने लिए यूज कर सकते हो, है ना। मुकेश जी नेक्स्ट स्लाइड, राइट, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहूँ। तो SSI जो है ना, वो बहुत हुआ है। देखो इसमें ये लिखा है, आप देखो, है ना, कंसिस्टेंसी आपको बनानी पड़ेगी फॉर 12 मंथ, तो आपको 25,000, उसमें कुछ नहीं। देखो इसमें ये मत दिमाग लगाओ कि आप अब वो तो चेंज कर देंगे, फिर बाद में बोलेंगे ये नहीं हुआ, अच्छा बाद में वो टैक्स, जैसे पूनम जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है ना, कुछ नहीं है। पहले 3 महीने में 3,000 आपके अकाउंट में, अगर आप 100 100 100 करते हो तो 3,000 अप फ्रंट, है ना, बाकी 3 में करते हो तो 5, बाकी 3 में करते हो तो 7, बाकी 3 में करते हो, देखो चौथे महीने तक पहुंचते पहुंचते आप सोचो 33% तक आपको मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो ट्रेड डिस्काउंट कार्ड देने, वो यार और क्या हो सकता है बताओ। अब तो ये है कि पैसा रखा है बॉस, और कुछ रिटेलर यहाँ पर है वो तो पूरा 100 PV रिटेल भी कर देंगे, तो आप सोचो 25,000। यार मैं फिर बोल रहा हूं, मैं देखो है ना, हो सकता है कुछ लोग, अरे 25,000 रुपये साल का, भाई अभी तक तो कुछ नहीं मिल रहा था ना
है ना, अब ये तो आ रहा है कम से कम, और कम नहीं होता 25,000 रुपये। 25,000 रुपये की आप 2,000 की SIP भी कराओगे ना बॉस अलग से, तो आप देखो कितना बड़ा कॉर्पस खड़ा कर सकते हो आप 2-4-5 साल में, अच्छा खासा कर सकते हो। एक नॉर्मल फैमिली इतना भी नहीं कर पाती है ना, बहुत कम लोग जो सोचते ही रह जाते हैं हम सेव करेंगे 2,000, हम गोल्ड ही किट्टी करेंगे, भाई नहीं कर पाते। तो आप प्लान कर सकते हो, बहुत ही जबरदस्त चीज है, और ये हर कोई कर सकता है, और मैं तो कहता हूं हर किसी को करना भी चाहिए। अगर आज आप 10, 20, 30 PE भी कर रहे हो तो भी आपको करना चाहिए। अब इसका मैं एक चीज और रीजन, आपको लगता है सितंबर से तो नहीं कर पाएंगे हम, डोंट वरी, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 3 महीने आपको मिलेंगे। उन 3 महीने में अगर कोई नया ABOV है जो आज जीरो भी आपको लगता है मैं तो नहीं करता, वो भी 3 महीने में 100 PV करना नहीं सीख सकता क्या? बताओ कौन सी बड़ी बात है यार। और आप तो सारे एक से एक वो यार धुरंधर, एक से एक आपने रिटेल करेंगे, एक से प्रोटीन आपने दिए लोगों को, आर्टिस्ट्री दी, और अच्छी बात क्या है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कंसिस्टेंसी होती थी यार। आप आर्टिस्ट्री कंसिस्टेंसी में आ जाओ या आप न्यूट्रलाइट उसमें ग्रुप में आ जाओ, भाई इसमें कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, आप एसेट ले लो, आप सोप ले लो, आप ग्लिस्टर ले लो, आप एप्सा ले लो, आप न्यूट्रलाइट ले लो, कुछ भी ले लो आप, और ऐसा नहीं है सिंगल इनवॉइस में, आप महीने में 100 ऑर्डर लगाओ तब 100 PV, एक एक PV का ऑर्डर लगाओ। लेकिन होगा PC पे, एक PC पे नहीं, 100 PPC आपने और सब एक एक PV लगा रहे हैं तो भी हो जाएगा। सबसे अच्छी बात मेरे को क्या लगी कि हम 100 PV तो कर ही रहे थे, 200-300 PV तो हम कर ही रहे थे, बट कहीं ना कहीं लगता था यार 100 PV न्यूट्रलाइट में करना है। तो कई बार क्या होता था कि यार वो 80 हुआ तो 20 हमने चलो डेली ले ली, क्योंकि बाकी तो काउंट नहीं हो रहा है, अब कोई चक्कर ही नहीं रह गया। कोई भी प्रोडक्ट उठा लो हर प्रोडक्ट में मिलेगा वो 100 PV काउंट, बस 100 होना चाहिए, 1 तारीख से लेकर वो महीने का एंड जो है वो आपका 100 PV होना चाहिए बस PC पे। इससे आसान क्या हो सकता है आप बताओ, है ना, मुझे लगता है कुछ हो ही नहीं सकता। और जैसे आपने यहाँ पर लिखा है ना, मस्ट स्टार्ट कंसिस्टेंसी विद इन मंथ प्लस 2 फॉलोइंग, सेप्टेम्बर अक्टूबर और नवंबर, मान लेते हैं आपकी सेप्टेम्बर में ज्वाइनिंग है तो अक्टूबर नवंबर भी आपका है, नवंबर में ज्वाइनिंग है तो उस तरीके से प्लस 2 मंथ, आप समझ गए ना, ऐसा नहीं है कि जो सेप्टेम्बर में ज्वाइन करे उसी के लिए, जो उसके बाद मान लेते हैं दिसंबर में ज्वाइन करते हो, दिसंबर जनवरी फेब 3 महीना उसको मिलेगा 100 PV। देखो एक नया बंदा आएगा तो उसको 100 PV करने में थोड़ा समय लगेगा ना, सीखने में थोड़ा समय लगेगा ना, या जो पुराने हो गए हैं जो बिल्कुल टच में अभी नहीं है, आपके कुछ ADS लीडर थे या कुछ PC हैं, वो टाइम लगाएंगे ना थोड़ा सा, तो उनको सिखाने के लिए कमने भाई 3 महीने ले लो और कर लो आराम से, क्या प्रॉब्लम है यार। अब इससे सरल क्या हो सकता है, अब हर कोई बेनिफिट ले सकता है, ये 25,000 तो मुझे लगता है हर किसी को उठाना चाहिए, है ना। ऑलरेडी ज्वाइन PC पे नहीं, वो हम आपको बता देंगे, जो नया ABO ज्वाइन हम कराएंगे उसी के साथ एक PC पे होगा, है ना, क्योंकि PC तो किसी ना किसी ADS के साथ ज्वाइंट ऑलरेडी होगा ना, और वो ADS तो पुराना है, तो सितंबर में वी हैव टू शो वी हैव अ न्यू ज्वाइनिंग। वो मैं आपको तरीका बता दूंगा कैसे करना, जैसे मैंने बोला या तो हस्बैंड की या बच्चों की, जिस भी तरीके से, और एक न्यू PC बना के उस पर हम ले लेंगे ना, वो ऐसी चीज है जो मैनेज की जा सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, एक नंबर का ही गेम है बस, एक फोन नंबर का गेम, ज्यादा ही होगा तो एक नया सिम ले लेंगे यार। मेक इट इजी यार, इतना नहीं सोचना कैसे करेंगे क्या बनाएंगे, भाई 25,000 रुपए कोई नहीं, उसमें से 200-300 रुपए सिम के चले भी जाएंगे तो क्या हो गया। है ना राइट, तो वो सारी चीजें अरेंज होंगी, बट इसके ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज की, जिसके लिए आपको एटलीस्ट खास के लिए उन लोगों को बुलाया जो अभी तक बिल्कुल थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहे थे, जिनको लग रहा था यार अब तो कुछ नहीं बच गया, अब तो कुछ नहीं, यहां से यू कैन स्टार्ट, है ना। और फिर कुछ चेंजेस एक बड़ी उसमें है जो आपको समझना पड़ेगा, मुकेश जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और हम SSI को दोबारा डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप पर्सनली मुझे कॉल कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज और है ना, कुछ लोग BFI किसी ने किया है, किसी ने नहीं करा है, किसी का नहीं हुआ है ना, सबको लगता था यार मैंने तो कर लिया या मैं तो नहीं कर पाया मुझसे तो नहीं होगा, तो कंपनी ने उसमें भी चेंजेस कर दिए हैं, है ना, बहुत बड़े चेंजेस हैं, आप सोच के देखो, अभी जो मैं आपको ये आपको दिख रहा है ना बॉस, है ना, यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना, तो आप सोच के देखो 9,000 रुपये एक्स्ट्रा, जैसे मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट बताया है ना, तो अब आपको थोड़ा क्या समझना है, आप देखो आप ये समझो कि BFI को पता है कि जब आपकी 3 लेग होंगी 200-200 PV पे होगा, तो आपको क्या मिलता था, BFI मिल जाता था 15% मिलता था आपको, है ना, अभी बीच में 20 कर दिया था तो आप 25 कर दिया था, तो आप सोचो 15% BFI का बोनस अलग मिलेगा,
बीएफआई की इनकम है जो अलग मिलेगी, ट्रेड डिस्काउंट है वो अलग मिलेगा, न्यूट्री पर के वो अलग मिलेगा, और अगर आप इसी दौरान एसएसआई भी कर रहे हो तो वो भी मिलेगा। लेकिन एडिशनल एक चीज और ऐड कर दी, कैश इंसेंटिव। कभी आपने एमवे में सुना था कि प्लैटिनम से नीचे कैश इंसेंटिव है? प्लैटिनम पे मिलता था है ना 1 लाख रुपए, अब बीएफआई पे भी कैश इंसेंटिव है, सोचो आप। और मैं आप सबको बता रहा हूं, मैक्सिमम लोग मुझे लगता है, हो सकता है यहाँ पर काफी लोग हैं जो एलिजिबल हैं, सभी हैं मतलब एलिजिबल आप लोग, तो मुझे लगता है ना, इवन मंजीत जी इज ऑल्सो एलिजिबल, चाहे उन्होंने अगर कर भी दिया है तो, है ना। मुझे लगता है जितेंद्र का वी हैव टू चेक, बट शायद जितेंद्र भी एलिजिबल हो क्योंकि उन्होंने लास्ट फिजिकल ईयर में शायद नहीं करा था जब रीस्टार्ट हुआ था। बीएफआई आप ले सकते हो बॉस, आपको क्या करना है, अगर आप बीएफआई का स्ट्रक्चर बना लेते हो 2-3-4 महीने बनाकर, ऐसा नहीं इसमें टाइम, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप सितंबर में ज्वाइन करो या कहीं भी ज्वाइन करो, आप इसी नंबर पे, ये जो ऑलरेडी आपका नंबर चल रहा है ये उसी पे होगा, एसएसआई नए नंबर पे, और जो ये है वो उसी नंबर पे होगा। अगर आप बीएफआई 6 बार कर लेते हो तो आपको 20,000 रुपये इंसेंटिव मिलेगा, वही 12 बार कर लेते हो तो 40,000 मिल जाएगा, टोटल 60,000 रुपये अलग अलग, मतलब बिल्कुल अलग। ट्रेड डिस्काउंट इसमें काउंट नहीं है, न्यूट्री पर्क इसमें काउंट नहीं है, इसकी इनकम इसमें काउंट नहीं है। सोचो आप, बीएफआई की अच्छी खासी इनकम होती है 10-15 हज़ार रुपए, अगर आप अच्छा बीएफआई जाते हो तो 8 से 12-15 हज़ार रुपए आप इजीली कमा सकते हो। हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कमाए हैं। अब उसको आप रेगुलर बेस में कर लोगे, 6 महीना कर लोगे साल में 12 में से, तो आपको 20,000 मिल जाएगा, है ना। और अगर वही 12 के 12 कर लोगे तो 40 मिल जाएगा, तो 20 और प्लस 40 दोनों ले लोगे तो 60,000। भाई अमेजिंग नहीं है, आप बताओ 60,000 रुपये, पहले 60,000 जीरो था ना यार, पहले तो केवल बीएफआई का इंसेंटिव मिल गया, चलो थोड़ा बहुत 1,000-2,000 रुपये इंसेंटिव बढ़ गया, बारह यार इतनी मेहनत कर ली, 3-3 लग में भागा दौड़ा, इतनी मीटिंग, भाई 1,000 रुपये मिल रहा है मुझे, 1,200 रुपये मिल रहा है, 1,500 रुपये मिल रहा है, 2,000 रुपये मिल रहा है ना। 6 बार कर लिया तो क्या है, फिर भी वही मिलना है, 6,000 12,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया। लेकिन यहाँ सोचो वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 60,000 रुपीज, 160,000 रुपये यार कम होते यार, आप खुद सोचो, आज आप जो भी काम कर रहे हो 5,000 रुपये हर महीना बढ़ जाएगा उसमें, ऐसे एवरेज अगर मैं देखूं। और किसी को अगर ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, बीएफआई बीबीआई कोई दिक्कत नहीं है, आप जिनके साथ आए बैठे हैं हम इसके लिए अलग से दोबारा समझा सकते, वी आर ऑलवेज रेडी, बिकॉज वी वॉन्ट कि अगर आप हमसे जुड़े हैं, अगर आप हमारे संपर्क में हैं तो आपको बेनिफिट हो। और शायद इसी के लिए एमवी ने बदला ये सारी चीजें, सारे लीडर जो हमारे डायमंड लीडर हैं, थैंकफुल जो उन्होंने बात करी, थैंक्स टू देम कि उन्होंने हमारी बात उन तक पहुंचाई, कि एक नीचे लेवल पे बंदा कुछ नहीं, कहीं ना कहीं हमें लगता था ना यार जो ऊपर वाले लेवल वाले हैं वो तो पैसा कमा रहे हैं, आज देखो आज जो जीरो लेवल पे भी है उसको वो भी 25,000 रुपए कमा सकता है यार, आप सोचो, जीरो लेवल वाला भी किसी लेवल पे नहीं, ये कब भी नहीं हुआ है इंडिया की इतिहास में, मुझे लगता है शायद दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा ये तो बहुत ही अमेजिंग है, मैं बता रहा हूँ इसको तो ग्रैब आप, मतलब इट कैन बी अ न्यू स्टार्ट फॉर यू, मैं बता रहा हूँ है ना, हो सकता है एक बार फिर आपको मौका मिले इस एमवे को सही से बिल्ड करने के लिए। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ है ना, मेरा मकसद आज का वो है ही नहीं कि आप बिजनेस बिल्ड करो क्या करो, मैं बस बताना चाहता हूँ आपको कि ये चेंजेस आ रहे हैं, और आप थोड़ा सा बदलते हो और थोड़ा सा और बेटर करने की कोशिश करते हो, या आप चाहते हो कि यार हाँ अगर इतना कुछ है मेरे को उठाने के लिए, और मैं तो ऑलरेडी जानता हूँ, मैं तो ऑलरेडी कुछ लोगों को जानता हूँ, क्यों ना फायदा उठाया जाए यार, वाई नॉट, है ना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मुकेश जी, नेक्स्ट स्लाइड। और फिर बीबीआई, क्योंकि बीएफआई के बाद कहीं ना कहीं क्या होता था, बीबीआई होता था, जो कि जिसको हम 15% बोलते हैं, और उसमें क्या होता था, वही 25% मिलता था, फिर लास्ट ईयर उन्होंने 25 सालगिरह तो 30% कर दिया था, है ना। अच्छा खासा पैसा आता है एक बीबीआई के, मैंने मैंने आप सोचो 12 के 12 बीबीआई लिए हैं है ना, और मैंने बहुत इंजॉय करा उसको, एक अच्छा खासा बीबीआई आपका 30 से 40 हज़ार, 50-60 भी कमा सकता है, लेकिन एक एवरेजली 25-30 हज़ार रुपये तो आराम से कमाता है महीने, कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको, अच्छा ग्रुप है तो और ज्यादा भी कमाया जा सकता है ना, मैं तो मानता हूँ एक सिल्वर की भी इनकम आ सकती है अच्छी खासी, है ना। लेकिन फिर भाई अब देखो इसमें, आप देखो तो अगर आप 6 महीने बीबीआई करते हो, यहाँ पर सारे लोग एलिजिबल हैं उसके लिए, एवरीवन इज एलिजिबल, तो 40,000 रुपये। और अगर 12 के 12 महीने आप थोड़ा समय लगा, 2-4-5 महीने 6 महीने मेहनत करके आप एक ग्रुप बना लेते हो, बीएफआई बीबीआई कर लेते हो, 80,000 रुपये 12 महीने, टोटल 1,20,000 रुपये। और यहाँ पर ये बात खत्म नहीं हुई है, अगर आप बीएफआई और बीबीआई साथ में करते हो तो 1,80,000 रुपये,
60,000 वो और 1,20,000 ये, आप सोच के देख, इसी साल या आप 2-3-4 महीने 6 महीने बना भी देते हो स्ट्रक्चर है, आने वाले 1-1.5 साल में कितना बड़ा पैसा आप कमा सकते हो। और ये सब एक्स्ट्रा है, अलग अलग, इंसेंटिव के अलावा, कमीशन के अलावा, ट्रेड डिस्काउंट के अलावा, अलग कैश 1,20,000 रुपए प्लैटिनम को मिलता था, मैं बता रहा हूं 1,00,000 रुपए, अब 15% को मिल रहा है। कहां 15%, कहां प्लैटिनम, आप सोचो 4,000 PV 15%, और प्लैटिनम 10,000 PV 6 बार। आर यू कैचिंग माई पॉइंट? कहां 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 पहुंच गया है एमवे, अब क्या सोच रहा है वो? अब बिल्कुल नहीं रह गया कि मैं तो नीचे लेवल पे हूं, 15 बार मुझे तो कुछ नहीं मिला भाई। लो, मुझे लगता है जिसको तो समझ आ रहा होगा तो बोल रहा होगा भाई अब तो कहां भागू मैं और कब से करूं चालू, आज से ही शुरुआत करने की जरूरत है ना। तो मेन 3 चीजों पे जो मैं ज्यादा डिस्कस करना चाह रहा था, और भी कुछ चीजें चेंजेस, फॉरेन ट्रिप चालू हो रही है ना, बहुत सारी और चीजें हैं, लेकिन मुझे लगता है ये अभी आप लोगों के लेवल के लिए सबसे बेस्ट है। SSI तो सबको लेना है, एनी हाउ कुछ भी करना पड़े, मुझे लगता है एवरीबडी शुड टेक इट, एवरीबडी, है ना। कोई उसमें इफ एंड बट नहीं होना चाहिए कि यार हम लें कि नहीं लें, पता नहीं क्या करें, कुछ भी कंफ्यूजन है, अभी हमारे पास टाइम है, आप अपनी अपलाइन से बात करें, आप उनसे बात करें कैसे लिया जा सकता है, क्या रहे? हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको SSI तो कम से कम मिले ही मिले, ठीक है। आपको नहीं समझ आ रहा होगा BFI, आपको नहीं BBI समझ, बट जो ऑलरेडी BFI BBI कर चुके हैं ना, उन्हें समझ आ रहा होगा, बिल्कुल है ना, उनको समझ आ रहा होगा यार हमने BFI जब करा था, BBI जब करा था, हमें तो कुछ भी नहीं मिला था, आज देखो क्या मिल सकता है, राइट बिल्कुल मैं बता रहा हूं, इतना मजा आ रहा है ये देख देख के, ये सोच सोच के ना, अभी हुआ नहीं है बट सब कुछ दिख रहा है सामने कि भाई कि यार अब तो सब कुछ सेट होने वाला है, मैं बता रहा हूँ आपको, बी एक्साइटेड, है ना। और जिस बात से मैंने शुरू भी किया था, मैं ज्यादा, मुझे लगता है ज्यादा मीटिंग को तो टाइम भी हो गया, बट मैं जो इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए जैसे मैंने बोला था, चेंज होना पड़ेगा, बोलते हैं ना समय के हिसाब से बदल जाइए वरना समय आपको बदल देगा, और आपने देखा भी होगा, आपने समय देख लिया है। अभी मुझे लगता है जिसने थोड़ा सा होश संभाला होगा, 17-18 साल का भी कोई होगा और उसने कोरोना से पहले का और थोड़ा बहुत आने वाला टाइम देखा होगा, तो उसको पता लग गया होगा भाई, है ना, क्या है और क्या चलने वाला और क्या फ्यूचर है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में, और मैं तो कहता हूँ देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, बट देखिए हमारे यहाँ जो है ना प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी क्या बोलते हैं, फिट इंडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट फिट इंडिया, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट फिटनेस। आज आप यूट्यूब खोलो फिटनेस, आज आप फेसबुक खोलो फिटनेस, आज आप देखो लड़के लड़की सब जिम जा रहे हैं, सब बॉडी बना रहे हैं, सबके सिक्स पैक है, सब उसमें इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हैं, सब प्रोटीन की बात कर रहे हैं, सब विटामिन की बात कर रहे हैं, सब आपका ओमेगा की बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप ज्यादातर यही देखो, और हर कोई प्रॉफिट की बात कर रहा है, अगर शेयर्स की बहुत ज्यादा न्यूज आ रही है आप सर्च करते हैं तो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, है ना। यहाँ तो हमने दोनों ही बात कर दी ना, आपकी हेल्थ की भी बात कर ली और आपको प्रॉफिट की बात भी बता दी, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं मानता हूँ, देखिए मैं आपको सच बताता हूँ, और मैं कोई ऐसा, मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चीजों को रखता हूँ हमेशा हर किसी के साथ, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है चेंज होना, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था चेंज को एक्सेप्ट करना, बिकॉज मुझे लगता था कि शायद मेरी यूएसपी ये है, शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं वो नहीं कर पाऊंगा, बट मैं बता रहा हूँ, है ना, मैंने बोला ना नहीं बदलोगे तो बदल दिए जाओगे बॉस, है ना। लेकिन अब जब मैं उस प्रोसेस में आया हूँ, है ना, और मैं सबको बता दूं यहाँ पर, है ना, केवल 12 से 13 दिन में आई हैव लॉस 6 kg, 6, है ना, और केवल घर पे एक्सरसाइज करी है, थोड़ा सा अपना डाइट कंट्रोल करा, और मैं फिर बोल रहा हूँ देखिए, मैंने स्टार्ट में ही बोला था कि अभी हमारा मकसद केवल बिजनेस कराना नहीं, हम चाहते हैं कि एक बहुत अच्छी कम्युनिटी बने जहां पर हम भी हेल्दी हों और हम बहुत सारे लोगों को हेल्दी करें। उसके लिए जो भी लोग यहाँ पर है, मैं तो जरूर चाहता हूँ कि आप जो हमारी सुबह 7 वाली मीटिंग हो जिसमें हम एक्सरसाइज, कभी जूम्बा, कभी हम HIIT करते हैं, कभी योगा करते हैं, आप उसमें जरूर आए और वो आधा घंटा जरूर दें। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम आपको कुछ बोल रहे हैं कि आप ये करो या उसका क्राइटेरिया 100 PV कर लो या कुछ नहीं, नथिंग, बट आप उसमें आइए, आप उसमें ज्वाइन कीजिए और आप अपनी हेल्थ को और बेटरमेंट की तरफ लेके जाइए, बिकॉज वो इम्पोर्टेंट। मैं सच बता रहा हूँ, जब मैंने अपनी एज चेक करी थी ना, जब मेरी बॉडी एज है ना, आई एम अराउंड 35-36, बट मेरी बॉडी एज 53-56 आई थी, आप सोचो, आई वॉज शॉक्ड, शॉक्ड, एंड विद इन 13-14 डेज
है ना, 5 साल छोटा हो चुका हूं मैं, 5 ईयर्स। और मुझे लगता है अभी जब मैं 1 महीने बाद या 2 महीने बाद के बाद आप लोगों से बात कर रहा हूंगा, तो मुझे लगता है शायद फिर मैं 20 साल का हो जाऊंगा है ना। यही तो इन्फ्लुएंसिंग है, यही तो करना है। इतना आसान हो गया है बिजनेस, आज किसी को गोले बताने की जरूरत नहीं है, आज किसी को मीटिंग में लाने की जरूरत नहीं है, उसको बोलो भाई, है ना, हमारा एक सेशन है गट हेल्थ, वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ, एवरीबडी वॉन्ट हेल्थ, वो अपने आप इन्फ्लुएंस होगा, वो अपने आप बोलेगा व्हाट यू आर हैविंग, वो अपने आप बोलेगा आप कुछ। आप देखो, आप थोड़े से पतले हो जाओ, कमजोर लोग बोलते हैं ना यार कमजोर हो गया, यार पतला हो गया, यार मोटा हो गया, है ना, यार पैंट टाइट हो गई, यार वो शर्ट से पेट बाहर निकल रहा है, बोलते हैं ना लोग। तो जब फिट हो गए तो लोग वो भी बोलेंगे, यार फिट लग रहा है यार, तब आपको कुछ नहीं बोलना, बस ये बोलना है आई हैव अ कम्युनिटी में, बस हम तो इंजॉय करते हैं वहां पर, और लेट्स कम, लेट्स ज्वाइन सम टाइम, सिंपल। दिस इज बिजनेस नाउ डेज, बहुत आसान हो चुका है। बट थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं फिर भी बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल बोल रहा हूँ SSI, BFI एंड BBI, दिस शुड बी अ गोल एटलीस्ट। कम से कम इतना पैसा तो आपको लेना ही चाहिए यार एमवे से, जब आप एमवे को जानते हो समझते हो, इतना पैसा तो जरूरी है, और इसके बाद फिर आप रुकोगे नहीं जब 1,80,000 रुपये मिलेगा ना, फिर रुकोगे नहीं आप। अच्छा, फिर तो आप मुझे ही बोलोगे भाई अब चलो जी, आपका हो गया काम, अब तो हम कर रहे हैं राइट तो मुझे लगता है मेरी तरफ से मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन मैं देना चाह रहा था मैं दे चुका हूँ। कुछ अगर हो सकता है, क्योंकि मैं इस ये वाले सेशन को पहली बार ले रहा हूँ, कुछ चीजें अगर छूट गई हो तो वो भी कंप्लीट हो जाएंगी धीरे धीरे, और हम सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। बट जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं उनको सबसे पहले थैंक यू सो मच, है ना, आप लोग यहाँ पर आए, आपने समय दिया, बट इस चीजों के बारे में सोचे जरूर, जिनके साथ आप आए उनके साथ बैठे जरूर, है ना। मनी इज ऑन योर टेबल, नाउ इट्स योर टर्न कि आप उठो और उसको उठाओ, क्या ग्रैब कर सकते हो, कितना ग्रैब कर सकते हो, बहुत है ना। और वो पुराना माइंडसेट छोड़ के कि यार लोगों को ज्वाइन कराए, लोगों के पास जाना है, आप एवरीथिंग इज डिजिटल यार, सब इतना आसान हो गया। देखो आप अपनी अपनी जगह पे बैठे हो, मैं आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन समझ आ रही है, इससे आसान क्या हो सकता है बताओ। बस अब इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह आप समझो, और पैसे को इंजॉय करो और हेल्थ को इंजॉय करो, राइट। और मुझे लगता है कि अगर कोई भी कुछ बोलना चाहता है तो यू आर इन्वाइटेड। मैं एक बार सबको अनम्यूट करने की पावर दे देता हूँ। इफ समवन वॉन्ट्स टू आस्क एनीथिंग, या नहीं पूछ सकता, पर्सनली भी पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पर किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए, अगर डेफिनेटली अगर हम उसका आंसर कर पाएंगे तो करेंगे आपको। और किसी को कुछ बताना है, किसी को कुछ बोलना है, कोई एक्सपीरियंस शेयर है, तो यहाँ पर कर सकते हैं, जस्ट जस्ट 4-5 मिनट्स, एनीवन। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल जबरदस्त सेशन रहे, और हम काफी लोगों से मिले अभी, और जैसे बोला कि हम एक जगह बैठे हुए और अलग 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 स्टेट से हम जुड़े हुए हैं, एक अलग ऐसे, और सब एक साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। दूसरी बात कि अभी राहुल जी ने जिक्र किया पैसे का और हेल्थ का, दो चीज का जिक्र किया, तो हर चीज एक आदमी में जो दिखता है वही बिकता है। तो आज के डेट में हमें अपने आप को बिजनेस किसी को प्लान बताने की जरूरत नहीं है, डेली सुबह मीटिंग वाली मॉर्निंग में मीटिंग में चर्चा होती है कि मतलब इसी मैटर पे चर्चा डेली, लास्ट आई होप कि 1 वीक से देख रहा हूँ, 1 वीक से इसी पे कुछ ना टॉपिक चलता है, SSI, BFI, BBI, कैसे लोग आगे मतलब वो करके लोग आगे आगे कैसे काम किया जा सकता है, इसी पे सारा कुछ लोग सबका सेशन होता है, दो दो सीढ़ी, तीन तीन सीढ़ी, 10 मिनट 15 मिनट के सेशन चलते रहते हैं। तो जबरदस्त है, काफी आने वाले चीज, और काफी जैसे बोल रहे एमवे 4.0 में बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, और इसमें कि जो जितना अर्न कर सके, जो जितना मेहनत कर सके वो कर सकता है भाई, ठीक है। और हर कोई इसमें मेहनत कर रहा है, हर कोई प्रोडक्ट तो ले ही रहा है, हर कोई अपने हेल्थ के प्रति सचेत है, आज के हर कोई अपने हेल्थ के प्रति सचेत है, प्रोडक्ट भी हर कोई यूज कर रहा है, पर्सनल कह रहे हो, हेल्थ कह रहे हो, तो क्यों ना उसको जो सिस्टमेटिक कंपनी जो सिस्टम बोल रहा है सिस्टमेटिक तरीके से ले, और जो जो SSI के थ्रू, PFI थ्रू, BBI के थ्रू मिल रहा है वो हम अचीव करें, दे ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, ठीक है, और हमें इसको ग्रैब करना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू मुकेश जी। और जितेंद्र आप कुछ बोलना चाहोगे, सबसे पहले तो मैं है ना सबको बोलूंगा जरूर है ना प्रेज करें जितेंद्र को, बिकॉज अप्रोक्स 600 PV दिस मंथ पर्सनल PV है ना, और मुझे लगता है उसमें से मैक्सिमम पार्ट प्रोटीन का रहा है, 95% है ना, तो इट्स अमेजिंग। और बिल्कुल है ना उनके लिए क्लैप भी होनी चाहिए, और मुझे लगता है क्लैप बनती है, बिकॉज है ना 600 PV रिटेल करना अच्छी बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ हर कोई कर सकता है आज की डेट में, इफ यू आर टॉकिंग टू पीपल, आप उनसे बात करते हो, आप उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट बताओ, थोड़ा बहुत उनको बताओ कि क्या आपकी लाइफ में फर्क पड़ सकता है, प्रोटीन के बारे में थोड़ा बहुत आप लर्न कर लो, एवरीथिंग इज देयर है ना। और बिल्कुल जितेंद्र जस्ट अ मिनट, मैं
है ना, हमारे साथ आलोक जी भी यहाँ पर हैं, है ना। तो मैं जरूर चाहूंगा आलोक सर, इफ आप प्लीज थोड़ा देर बात कर सके हम सबसे, प्लीज। थैंक यू राहुल, थैंक यू। और बहुत ही जबरदस्त एक्साइटमेंट है ना सब लोगों का, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जितेंद्र, है ना। 600 PV आज हम लोगों के लिए भी, मतलब हमें गोल बनाना पड़ता है फिर जाके होता है ना। और सबसे अच्छी चीज ये है कि वो 600 PV 60,000 65,000 नहीं है, वो कितने लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव कर रहा है देखो, है ना। वो फीलिंग हमारे अंदर होनी चाहिए, है ना, कि मैं कितने लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव कर रहा हूँ, है ना, मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ किसी की मदद करने में, है ना। और आज वो प्रोटीन ले रहे हैं तो कल फिर कुछ और चीजें भी लेंगे, है ना, और परसों को फिर वो बिजनेस में भी आएंगे। और दोस्तों बिल्कुल, आप सब लोगों ने सुना, कई लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, है ना। मैं ये बोलूंगा दोस्तों कि इस बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि जो आपकी अपलाइन है ना, बस आप उसको अपने को सौंप दो इस बिजनेस के, है ना। उनका जो विजन है ना, उस विजन को ले लो, उनकी जो आंखें हैं ना, उन आंखों से देखो इस बिजनेस को, आपको कभी नुकसान नहीं। हम लोगों ने अपना दिमाग कभी भी नहीं लगाया, और मेरे को ध्यान है कि जब जब हमने स्ट्रगल किया इस बिजनेस में, अब जब मैं 25 साल भी पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो वो सारे समय वो थे जब हम अपलाइन को नहीं सुनते, जब भी स्ट्रगल किया, जब भी किसी पिन पे रुके हम लोग, वो टाइम था जब हमने अपना दिमाग लगाया। और जैसे जैसे हम सबमिशन में आते गए, और इसीलिए आज आप देखेंगे, आज आप जब ये वाला ग्रुप तो है ही, राहुल प्रीति वाला जो है, इसके अलावा जब और ग्रुपों में आप देखेंगे, तो आप देखेंगे ग्रोथ जहां पर भी हो रही है, जब उनके लीडर्स को आप देखेंगे, तो आप देखेंगे उनका सबमिशन लेवल बहुत हाई है ना। इस बिजनेस में हमने ये नहीं देखना है कि पर्सनली जिंदगी में हम छोटे हैं आपसे, बड़े हैं आपसे, पढ़ाई लिखाई कम है ज्यादा है, क्योंकि एमवे का प्लान ही ऐसा है कि हम आपकी मदद करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। 10,000 पे भी एक आदमी तो करेगा ही नहीं, हो सकता 20 लोग मिलकर करें 500-500 PV, हो सकता है 50 लोग मिलके करें 200-200 PV, हो सकता है 100 लोग मिलके करें 100-100 PV, है ना। और अब तो बिल्कुल ही बिजनेस चेंज हो गया, अब तो ट्रांसफॉर्मेशन वाला बिजनेस हो गया है। अब आने वाले समय में आप देखेंगे दोस्तों, इस साल के अंदर की 10 लोगों में 10,000 PV हो रहा, क्योंकि अब हमारा फोकस जोड़ने की तरफ है ही नहीं, हमारा फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी में हमने ट्रांसफॉर्मेशन हेल्थ वाला लेके आना है। और फिर जब वो एक अच्छे क्लाइंट बन जाएंगे हमारे, तब हम उनको बिजनेस की बात करेंगे, जिसको बोलते हैं हेल्थ टू अपॉर्चुनिटी, H2O, है ना। तो दोस्तों देखिए, समय लगा हम लोगों को, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने पुराना वाला बिजनेस कोविड से पहले वाला किया था, है ना, वो बिजनेस दोस्तों भूल जाइए, है ना। वो एमवे कंपनी वही है, उसके प्रोडक्ट वही है, लेकिन अभी सब कुछ बदल गया, है ना। अभी इतना आसान ये बिजनेस हो गया है, डिजिटली सब लोग घर में बैठ के बिजनेस को कर रहे हैं, अब जरूरत है सिर्फ अंडरस्टैंड करने की, बिजनेस समझने की, बिजनेस। मैं तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग SSI में आइए, आप राहुल से बात कीजिए कि आपको कैसे मिल सकता है, और यदि आप BFI BVI से शुरू कर सकते हैं सितंबर, तो नथिंग लाइक दैट, है ना। और बहुत ही जबरदस्त होने वाला है दोस्तों, मी एंड भावना आर ऑलवेज विद यू, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, एंड यू हैव गॉट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। राहुल और प्रीति में सब कुछ है, दे आर यंग, एनर्जेटिक, विजनरी, है ना, और लीडर हैं, और सामने से, है ना। मैं तो देखता हूँ कि मेरे तो जो एमरल्ड्स हैं, वो भी मेरे से, मतलब उनको लगता है कि नहीं, हमें मतलब वो बिल्कुल बच्चा बन जाते हैं बहुत बार जो है, लेकिन राहुल के अंदर, प्रीति के अंदर, इनके अंदर बहुत अच्छा लीडरशिप है, और मुझे पता है कि बहुत जल्दी हम बड़े बड़े लेवल पे आप लोगों को देखने वाले हैं दोस्तों। तो हमें हमेशा अपने साथ पाइए दोस्तों, है ना। मैं हर मीटिंग में नहीं रह पाता हूँ आप लोगों की, बट कभी भी आप बुलाएंगे तो आई वुड लव टू सर्व यू। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू राहुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और आपने इम्पोर्टेंट टाइम दिया। वैसे मैंने बहुत है ना शॉर्ट पीरियड में सर को बोला था, एंड थैंक यू सो मच आप आए। एंड बिल्कुल देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, है ना जितेंद्र, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, मैं वही बोलना चाहता हूँ, आलोक सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों का सबका सहयोग है। बाकी मुझे बहुत टाइम से मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि 500 PV 500 PV वाला रिकॉर्ड तोड़ना है एक बार, तो फिर मैंने इस बार देख लिया, तो फिर मुझे पता ही नहीं चला कब हो गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कितना PV हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं सिर्फ काम करता गया, अपना लॉ ऑफ एवरेज देखता रहा, बस मैं उसके पीछे पड़ गया, तो हो गया। तो वही है, किसी भी काम के पीछे अगर हम पढ़ते हैं तो पूरी कायनात फिर हमारे साथ हो जाती, तो उसी तरीके से कोई भी काम मुश्किल नहीं है। और बिजनेस तो और इजी कर दिया अभी, ना किसी को प्रोडक्ट बताना है, ना किसी को बताना, बस सुबह मीटिंग में बुला लो, अपने आप सब हो जाएगा, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगी चीजें।
तो वही है, बाकी देखते हैं, अभी भी 5 दिन का टाइम बचा, अभी देखता हूँ और कितना हो सकता है, क्योंकि रिकॉर्ड तो टूटेगा तभी नया बनेगा ना। तो थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत। थैंक यू जितेंद्र, यू आर अमेजिंग। और बिल्कुल है ना, अभी तो मैं वही बोलने वाला था कि अभी भी 5 दिन बचे हैं और मुझे लगता है 5 दिन में और बड़ा रिकॉर्ड बनना है और अमेजिंग हो जाएगा। और बिल्कुल सबको थैंक यू सो मच। और मैं बिल्कुल है ना, ये रिक्वेस्ट भी रहेगी मेरी कि आप SSI को और बेटर ढंग से और समझ सकते हैं अपनी अपलाइन के साथ, है जिनके साथ भी आए आप उनके साथ बैठ के, और इसको लीजिए जरूर। मैं जरूर चाहूंगा, अगर आपने एमवे में, आप जानते हो एमवे का नाम ना, है ना, आपके दिमाग में है या कभी आपने किया था, या कम से कम SSI तो आपको लेना ही लेना चाहिए। और अगर आपने SSI अब नहीं लिया तो समझ लो फिर आपने एमवे किया ही नहीं, मैं तो मानू, क्योंकि ये है अब रियल एमवे, ये आया है आपके लिए, ये बदला है आपके लिए, जो बहुत सारे लोग बहुत टाइम से चाह रहे थे, राइट? तो ग्रैब कीजिए अपॉर्चुनिटी और बिल्कुल है ना, सब इंजॉय करेंगे, एक कम्युनिटी बनाते हैं। 7 o'clock की मीटिंग में यू ऑल आर इनवाइटेड, ऑल आर इनवाइटेड, है ना, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई कुछ नहीं है ना, आप बस अपने कैमरे पे आइए, एक्सरसाइज कीजिए, इंजॉय कीजिए। हम बाद में उसमें प्रोटीन शेक भी पीते हैं, हम बातें भी करते हैं, हम इंजॉय भी करते हैं, दिन की प्लानिंग भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप पे जितना टाइम है आप उतना आइए, आप 10 मिनट भी आएंगे थोड़ी एक्सरसाइज कर, हाथ पैर भी हिला देंगे, है ना, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ जाएगा है ना, वो आदत बन जाएगी अपना, राइट? अब तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो 8 बजने वाला है, मेरे को लग रहा है यार एक्सरसाइज का टाइम हो गया, बल्कि मैं तो बहुत ही लथार्जिक आदमी हूँ यार, मैं सच बता रहा हूँ आप, है ना, तो जब मैं अपना टाइम बदल सकता हूँ तो मुझे लगता है हर कोई कर सकता है ना, क्योंकि सबसे पहले मुझे लगता था यार मैं नहीं कर सकता है, फिटनेस मेरे बस की नहीं, क्योंकि मैं बहुत फूडी हूँ यार, है ना, ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, खा रहा हूँ मैं, एवरीथिंग आई एम हैविंग, बट वो लिमिटेड हो गया है, पोर्शन कंट्रोल हो गया है ना, कई बार हो जाता है, संडे है तो थोड़ा पनाठे ज्यादा हो, थोड़ा बहुत हो गए एक दो पर, कोई नहीं, बट उसके बाद फिर वो एक्सरसाइज भी कर लेता हूँ, है ना, वो वॉक भी कर लेता हूँ थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा कुछ कुछ उसमें योगा पोजिशन उसमें बैठ जाता हूँ, है ना, तो मैनेज कर लेता हूँ। बट ये आप लोग भी सीखिए, खुद भी सीखिए, अपने फैमिली वालों को भी लाइए, उनको भी सिखाइए, बच्चों को भी सिखाइए और इन्जॉय कीजिए। हाय तनवीर, हाउ आर यू? गुड टू सी यू यार, अच्छा लगा, है ना, और फिर बात करेंगे, है ना, मीटिंग को भी एंड करने का टाइम है, डेफिनेटली डेफिनेटली विल मीट अगेन, और बिल्कुल एक दूसरे से संपर्क रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।